बसमन रही असल व्यूवर्स आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि के एफ़ सी के राइस एन स्पाइस की रेसिपी है ये मैंने बनाई और ये एक्जैक्टली exactly टेस्ट में शक्ल में वैसे ही टर्न आउट की जैसा कि आपको के एफ़ सी पे मिलती है इनतहा का मज़े का चिकन इसमें टेस्टी स्पाइसी और इसकी स्पाइसी सॉस बस बेहतरीन ये बनती है तो विदाउट एनी डिले लेट्स कम टू द रेसिपी सबसे पहले चिकन की मैरिनेशन की तरफ आते हैं मैंने बोनलेस चिकन लिया और वो भी मैंने चेस्ट का अंडर कट वाला चिकन लिया जो कि बहुत सॉफ्ट होता है दो इंच के पीसेस लिए और हर पीस को मैंने ओब्लिकली कट किया फिर इन चिकन के क्यूब्स को वन टीस्पून सॉल्ट यानी एक चाय का चम्मच नमक आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा लहसन पाउडर एक चौथाई चाय का चम्मच मस्टर्ड पाउडर एक चाय का चम्मच सिरका और आधा चाय का चम्मच पेपर पाउडर डाल दिया एक चाय का चम्मच चिली गार्लिक सॉस इसमें डाल दी और बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लिया हाथ की मदद से ज़्यादा बेहतर मिक्स होता है फिर आपने दो घंटे के लिए इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है फिर आपने अरेबियन राइस प्रिपेयर करने हैं। इसके लिए मैंने डेढ़ कप चावल लिए बासमती और इनको भिगो दिया मैंने घंटे के लिए फिर मैंने एक पैन में चार टेबल स्पून तेल का लेना है और उसमें जो भिगोए हुए चावल हैं वो डाल देने हैं इनको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और इस पर एक चाय का चम्मच नमक और एक चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देना है और उसको मिक मिक्स करना है फिर इसमें टू एंड हाफ़ यानी ढाई कप पानी के मैंने डाल देने हैं जो आखिरी आधा कप पानी का रह जाता है उसमें जर्दे का रंग यानी ऑरेंज कलर डाल के मैंने इसके ऊपर डाल देना है फिर उसको कवर करके तेज़ आग पे पका लेना है और जब इस पे यूँ बबल्स आना शुरू हो जाएँ तो लेड इसकी ओपन कर लेनी है फिर आप इसका टेस्ट चेक कर लें फिर उस पर सब्ज़ मिर्चें आपने कटी हुई लाल लंबी कटी हुई डाल देनी है जिनके अंदर से बीज निकाल दिया हो और फिर इसको दम पे रख देना है तकरीबन 20 मिनट के लिए ये 20 मिनट बाद बेहतरीन से तैयार हो जाते हैं फिर इसकी प्रेपरेशन ऑफ हॉट एंड स्पाइसी सॉस की तरफ लाते हैं इसके लिए आपने छः खाने के चमचे चिली गार्लिक सॉस डालनी है एक बॉल में फिर आपने छः खाने के चमचे चिली सॉस डाल देनी है फिर आपने इसमें छः खाने के चमचे टोमेटो केचप डाल देनी है मैंने और कंपनी की चीज़ें यूज़ की हैं उससे टेस्ट बिल्कुल एग्जैक्ट आया था फिर आपने एक चाय का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डाल देनी है और फिर आपने एक चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी डाल देनी है और इसे अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है मिक्स करके आपने इसे साइड पर रख लेना है अब इसकी हॉट शॉट्स की प्रिपरेशन की तरफ आते हैं इसके लिए आपने आधा कप मैदा यानी ऑल पर्पज़ फ्लावर ले लेना है फिर इसमें आपने एक अंडा ऐड कर देना है रूम टेम्परेचर पे। फिर आपने इसे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है फिर इसमें आधा चाय का चम्मच नमक और एक चौथाई चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर जाएगा और एक टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर भी ऐड होगा एक टेबल स्पून ऑयल भी आप बाद में डालेंगे फिर ठंडे बर्फ़ पानी से आपने इसका लिक्विड बैटर बना लेना है ये पानी आपने एकदम नहीं डाल देना थोड़े थोड़े हिस्सों में डालना है अच्छा सा आप मिक्स करते जाएं और पानी को ऐड करते जाएं। आपने पानी इतना डालना है कि इसका ऐसा बैटर तैयार हो जाए जो कि बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो ये बहुत टेक्निकल बात होती है कि बैटर जो हो वो रनिंग पोरिंग कंसिस्टेंसी का हो मगर कोटिंग कंसिस्टेंसी का भी हो बहुत ज़्यादा थिक बैटर से उसके ऊपर चिकन के ऊपर बहुत अच्छी फ्रेल्स नहीं आएंगी ये अब रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी बैटर की हमें मिल गई है आप देख सकते हैं ये पोरिंग है और कोटिंग कंसिस्टेंसी भी है इसकी और बहुत ज़्यादा थिक बैटर भी नहीं है ये अब हम इसकी कोटिंग की टेक्निक की तरफ आ जाते हैं मैरिनेटेड चिकन ड्राई मैदा और लिक्विड बैटर साथ साथ रख देंगे हर चिकन के जो पीस है उसको पहले लिक्विड बैटर में डिप करेंगे और उसको फिर बाद में ड्राई मैदे के अंदर डाल देंगे मैंने एक वक्त में छः से सात पीसेस मैदे में डाले अगर आपका डब्बा बड़ा हो आप ज़्यादा पीसेस भी डाल सकते हैं ये पीसेस डालने के बाद आपने जो ड्राई बैटर वाला बॉक्स है उसको शेक करना है शेक करने से हर पीस कोट हो जाता है उसके बाद एक हाथ की ट्विस्टिंग मोशन जो उसके पाम में आप लेके आएंगे उससे ज़रा आपने इसको फिस्ट की तरह मूव करना है उससे ये होता है कि जो हॉट शॉट्स हैं इन पर पतली पतली फ्रिल्स बन जाती हैं आपने लिक्विड बैटर से भी बहुत लेविशली कोट करना है उसको झटकना नहीं है बल्कि जो उस बैटर के साथ आता है चिकन के साथ वो लेके आपने फ़ौरन ड्राई बैटर में डाल देना है अब ऑयल को गर्म कर लेना है और जो पीसेस कोट हुए हैं उन पर फ्रिल बन चुकी है उन पीसेस को एक एक करके इसमें डाल देना है इनका कुकिंग टाइम छः से सात मिनट होता है और ये बहुत जल्दी बनने वाले होते हैं आपने पहले मिनट में इनको बिल्कुल नहीं हिलाना क्योंकि इसका ताकि ऊपर जो बैटर और कोटिंग बनी है वो इसे पूरी तरह से पकड़ ले उसके बाद अगले तीन चार मिनटों में आपने इनको टर्न करते रहना है ताकि ये इवनली कुक हो जाएं और फाइनली जो लास्ट मिनट है उसमें आग तेज़ कर देनी है आपने ताकि इन पे ख़ूबसूरत सा रंग आ जाए ये बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छे बनते हैं और जितना अच्छा आपने बैटर मेरी बताई हुई टेक्निक के मुताबिक बनाएंगे उतने ही ख़ूबसूरत होंगे आप ये देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं ये बिल्कुल क्रिस्पी होते हैं अंदर से जूसी होते हैं क्योंकि आपने चेस्ट का अंडरकट का मीट लिया है आपको मैं और क्लोजली दिखा देती हूँ या आप देख लें इन पर कितनी खूबसूरत सी जिस तरह के एफ़ के अंदर हॉट शॉट्स पे फ्रिल्स बनी होती हैं और छोटे छोटे जो आ, उस कर्ल्स आए होते हैं उस तरह के इस पर बने हुए हैं और ये बहुत बेहतरीन तैयार होते हैं ये आप खाली भी खा सकते हैं मगर इस वक्त मैं आपको राइस एंड स्पाइस के लिए तैयार करूँगी अब हम राइस एंड स्पाइस को असेंबल करने की तरफ आते हैं मैंने ये बोल्स रखे हुए थे संभाल के तो इसमें आपने ये जो राइस प्लस उसमें एक दो ग्रीन चिली ज़रूर डालें इनमें बिल्कुल मिर्चें नहीं होती फिर छः बड़े पीसेस जो हॉट शॉट्स के हैं वो इस वे डालने हैं हमने के में अक्सर देखा है कि वो लोग बहुत बड़े बड़े पीसेस डालते हैं तो ये आपने डाल देने हैं इसमें एक एक करके इवनली रखने हैं फिर आपने इसके ऊपर सॉस दे देनी है वो जो आपने हॉट एंड स्पाइसी सॉस तैयार की है सॉस आपने लेविशलीस के ऊपर पोर करनी है क्योंकि इसमें फिर राइस के अंदर भी इसका टेस्ट जाता है और मेरे पास चूँकि स्प्रिंग अनियन घर में बहुत ज़्यादा हैं इसलिए वो भी मैंने स्प्रिकल कर दिए और लीजिए ये तैयार कर दिए ये बहुत बेहतरीन बनता है और आप बिल्कुल के और घर के बने हुए राइस एंड स्पाइस में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकेंगे इतना अच्छा ये मैंने आपको रेसिपी इतनी अच्छी दी है बस इसी तरह करके आप तैयार करते जाएँ मेरे पास तो इतनी ज़्यादा अमाउंट में मैंने तैयार कर लिया है कि आराम से छः से सात डब्बे तैयार हो सकते हैं तो माशाल्लाह ये बहुत इकोनॉमिकल और घर की साफ़ सुथरी बने हुए राइस एंड स्पाइस हैं आप जरूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसे टर्न आउट की और मेरी वीडियो फुल वॉच करने का बहुत बहुत शुक्रिया दुआ में याद रखें अपना खूब सारा ख्याल रखें मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी मैं नई रेसिपीज़ बनाती हूँ वो आपको अपेयर होती रहें ओके जी अल्लाह हाफिज़